हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो गाइज आप? तो आज मैं गाइज सोचा है किचन की पूरी नहीं, आधी सफाई। आधी मतलब वो हो गई तो सोचो मतलब हो ही गई बाकी की सफाई। तो जो कैबिनेट्स हैं किचन के, ट्रॉलीज हैं, वो साफ़ करने का मैंने जो है आज सोचा है। तो मेरा थोड़ा डिले हो गया है, आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से हो गई हैं। और ऑफकोर्स सबके घर में ऐसे हो जाता है थोड़े से टाइम बाद, ऑफ कोर्स साथ साथ करना चाहिए, 15 दिन में 20 दिन में जब भी टाइम मिले साथ साथ उसको क्लीन करना चाहिए। तो क्लीन आप कैसे करते हो? काफ़ी चीज़ें हैं क्लीन करने के लिए, बट मैं जिस तरह से करती हूँ मैं आपको बताने वाली, शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ वही यूज़ करती हूँ उसके लिए, और पूरा एकदम नए की तरह पूरा सा जो ट्रॉली और जो कैबिनेट्स होते हैं बिल्कुल नए की तरह चमक जाते हैं बिल्कुल। तो एंड जो कैबिनेट्स को रखने के लिए कॉर्नर्स होते हैं ऑफकोर्स वो भी बहुत गंदे हो जाते हैं साथ में, और क्योंकि डीप क्लीन तो एवरीडे नहीं हो सकती, मुश्किल है जब हम वर्किंग है ख़ास तौर पे तब। तो ऑफकोर्स तो यही सोचा है कि मैंने कहा चलो मैं, हो सकता है ये भी वीडियो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो, तो मैंने कहा चलो आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। सो ऑफकोर्स ये चीज़ें जो भी मैं बताने वाली हूँ घर में अवेलेबल हैं। बेकिंग सोडा ले लो आप, लेमन ले लो, विनेगर ले लो, ठीक है, सॉल्ट ले लो, और आप कोई भी डिटर्जेंट ले लो, लिक्विड भी ले सकते हो और पाउडर भी ले सकते हो। और बस इतना ही सामान लेना है आपको, और एक लेना है ब्रश। तो ब्रश से उसको कोनों में पूरा उसको अच्छे से आप जो है पूरा ये जो लिक्विड लगा दो उसमें, जो भी घोल बनेगा उसका लगा दो। विनेगर मैंने बोला है ना, यस, तो यस लगा दीजिए। उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद जहाँ से आप उसको निकालते हो ना ट्रॉली को, वहाँ पर भी पूरा जंग लग जाता है। ऑफकोर्स उसको आप अच्छे से एक दो क्लीन कर लीजिए, ब्रश से पहले उसको कर लीजिए, ब्रश से वही लिक्विड लगा दीजिए, उसके बाद फिर साफ़ कपड़े उसको क्लीन कर लीजिए सूखे कपड़े से। ऑफकोर्स उसके बाद फिर जो ट्रॉलीज हैं मैं उसको वॉश कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद सुखाने के लिए रख दूँगी, उसके बाद फिर कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन करके वापस उसमें लगा दूँगी। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ क्या हालत हुई पड़ी है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए क्या हालत हुई पड़ी है, ओह माय गॉड, देखिए। तो अब चलते हैं जी लिक्विड बनाने, जो मैं आपको बताने वाली हूँ उससे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बेकार। बट ये जो किचन में जो मेरे को चीजें निकाल निकाल के रखी हैं वो उससे ज्यादा दिख दिख के गुस्सा चढ़ रहा है। तो चलिए बेकिंग सोडा ले लेते हैं हम लोग, और उसके बाद जी ले लेते हैं विनेगर हम लोग, और उसके बाद हम ले लेंगे जी, मैंने सर्फ ले लिया, लिक्विड भी ले सकते हो आप, और विम वगैरह कुछ ऐसा भी ले सकते हो। और जी मैंने डाल दिया यहाँ पर नमक, उसके बाद मैं थोड़ा सा और डालने वाली हूँ विनेगर। तो चलिए जी ले लीजिए एक ब्रश, मैंने ले लिया एक ब्रश, उसके बाद ब्रश से इसको लगाएंगे कोने कोने पर। अब देखना इसको अच्छे से, मैं लगा रही हूँ हर जगह लगाऊंगी, पूरा वीडियो मैं नहीं बना सकती क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको इस शॉट में दिखा रही हूँ। तो ये लिक्विड मैं आपको देख सकते हो लगा के 5-10 मिनट रख दूंगी, उसके बाद मैं अच्छे से उसको वॉश कर दूंगी। वॉश मतलब जो सनमाइका है, जो प्लाई लगा है वहां पर आपको पानी नहीं लगाना है, बाकी स्टील में आप लगा सकते हो। और उसके बाद उसको सुखा दूंगी मैं, सुखाने के बाद आप देखना चमत्कार, आप देख सकते हो अभी भी मैंने लगा दिया है इसको। एक बार मैं इसको साफ कर लेती हूँ, और जहां मुझे लगेगा अभी तक नहीं हुआ है वहां पर अच्छे से दोबारा से मैं इसको मतलब दूसरी तरफ से भी साफ करना है, धोना है इसको, के बाद मैं जो है बाद में लगा दूंगी इसको, सुखाने के लिए धूप में रख दूंगी, और धूप तो क्या ही होती है प्रॉपर, यहाँ पर अच्छे से पहले क्लीन कर लेती हूँ फिर सुखा दूंगी, फिर कपड़े से इसको कर दूंगी। ये देखिए जी ये प्रोसेस मेरी हो चुकी है, और आप देखिए बिल्कुल नए की तरह लग रहे हैं। और इसमें जो कैबिनेट्स जहाँ लगाते हो वो कॉर्नर भी मैंने अच्छे से, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। यस गाइज आप भी ये इस्तेमाल कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसा लगा।
तो गाइज आपने देखा कि किस तरह से जो कैबिनेट्स है, ट्रॉलीज कैसे चमक रही है नए की तरह। तो आप भी यही लिक्विड को इस्तेमाल कीजिए और बस आप भी यूज़ कीजिए ऐसे ही, और क्लीनिंग तो चलती रहती है, कभी ख़त्म होती है क्या? बट हमारे जो कमर की बैंड बच गई है मेरे आज, मैं बता नहीं सकती। और चलिए, करना तो पड़ता ही है, करना तो हमें ही है ना। तो यस, तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, तो क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो यस, इस वीडियो में इतना ही गाइस। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रितिका शाइन। तो बाय बाय गाइस।